प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार ने व्यापार को विकसित करने के लिए लगातार काम किए हैं, जिससे व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। इसी कड़ी में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी जिला के बहल गांव को विकसित बनाने, मूलभूत सुविधाएं देने और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करने की भी बात कही, जिसके लिए अलग अलग विभागों के लिए टेंडर अलॉट कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने व्यापारी सम्मेलन को किया संबोधित। बहल को विकसित बनाने के लिए 100 करोड़ की मंजूरी दी। बहल की सैनी धर्मशाला के लिए 11 लाख की घोषणा की। 17 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य होगा। 80 करोड़ की लागत से सीवरेज और पेयजल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। किसानों को 150 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। किसानों पशुपालकों की खुशहाली के लिए नई योजनाएं लागू की गई। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बहल गांव शिक्षा के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हिसार का एयरपोर्ट बनने से बहल क्षेत्र तक इसका फायदा मिलेगा और उद्योग धंधों में क्रांति आएगी। बहल के अंदर सीवरेज का वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने अंत्योदय परिवारों, किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए अनेकों नई योजनाएं लागू की हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत हरियाणा में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। सब मिलके जो है तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के मूड में है और इस क्षेत्र में जो बीमा आया है, पानी आया है, विकास की योजनाएं आए हैं, उससे लोग संतुष्ट हैं। खास करके बिजली में जो सुधार हुआ है, नहरी पानी में जो सुधार हुआ है, उससे लोगों के अंदर बहुत खुशी। बहरहाल सरकार का हर संभव प्रयास है कि प्रदेश की आम जनता, किसान और पशुपालकों का जीवन खुशहाल हो और उनके परिवार में समृद्धि आए। इसके लिए सरकार की ओर से पशुपालन, बागवानी और मछली पालन में सब्सिडी पर आधारित अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका किसानों और पशुपालकों को लाभ भी मिल रहा है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रविष्ट दुहन की रिपोर्ट।